श्री गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब के संबंध आप अज इकट्ठे हुए हैं। पहला तो सतगुरु सच्चे पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पई है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जदों भाई टिम्मा जी साढ़े को आए से भी असी समागम रख रहे हैं तो तुम पहुँचना है, पहला तो असी क्या भी जरूर पहुँचांगे, बाद च एक कमेटी का फैसला होया भी पंजाब तो बाहर कोई प्रोग्राम नहीं करना। इन्हों असी क्या भी साढ़े को आया नहीं जाना, उन्हें चिर वेख्या तो संगतां ने पोस्टां पाउणियां शुरू करतीं भी भाई तुहानू आना चाहिए तुसीं आ क्यों नहीं रहे। फिर असी कमेटी नूं बेनती की साडी जिहड़ी बनी सी जिहड़ी समागम वेखदी है भी सानूं जाना पैणा है क्योंकि संगत तो वड्डा कुछ नहीं, जे संगत साडे नाल नाराज़ हुंदी है ना जाण करके तो फिर साढ़े घर बैठण का जां कितें होर समागम करन का कोई फायदा नहीं। पर यह गल कहण च मैनूं अज बहुत खुशी हो रही है भी पहला समागम है पंजाब तो बाहर जिहड़ा कीता है तो सानू ये लगा नहीं भी पंजाब तो बाहर आए हैं। जिन्ना जोश जिन्ना उत्साह नौजवानों च भैणों च बीबियों च बच्चों च बजुर्गों च हैगा इन्ना बहुत घट है, सगों पंजाब च भी घट गया। अज का समा इदा आ गया, कुछ गल्लां भाई साहब ने कीतियां जिन्हां नूं मैं अगे तोरना है कि कौम की दशा की है, कौम ते गुलामी क्यों है, गुलामी तो आज़ादी क्यों चाहिए है, आज़ादी लैनी किवें है। जिहड़ी इन्हां घटना का जिक्र किया भी एक सिख बीबी जिहदे नाल बलात्कार किया गया जिहदी बेपती की गई है तो थाने च खड़ के उन्हूं जलील किया गया। ये कोई पहली घटना नहीं वापरी सिखां दी बच्चियां दे नाल। इस मुल्क दे विच हिंदुस्तान दे विच सिखां दीआं हज़ारां बीबियां भैणां दीआं लगातार दिनां दे विच बेपतियां होईआं, हज़ारां बंदियां ने बेपतियां कीतियां ते अजे तक किसे एक बंदे नूं उहदी सज़ा नहीं मिली। सो आपां जदों कोई इहो जिही घटना वापरदी है तो सानूं ऐ लग सकदा वी यार इह किसे पापी दा काम है, किसे सारी कौम दा काम नहीं, आपां सारिआं नूं दोष नहीं देणा। पर सवाल सब तो वड्डा इह है वी जदों इहो जिहा कुछ वापरदा वा सारिआं नूं सप्प क्यों सुंघ जांदा है। सिख सरबत दे भले की गल करते हैं, जदों किसी कौम पर जुल्म होंदा है, जे कश्मीरियां ते होवे चाहे हिंदुआं ते होवे जां किसे ते भी होवे, सिख नाल खड़दे ने, आवाज़ चुकदे ने। जे जनेऊ जंजू खतरे च आया, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने दिल्ली जा के सीस कटा के अपना ते धर्म की राखी की है, यह कहा भी बेशक असी जनेऊ पहनते नहीं ना पहनण दे हक च आ, साडे सिधांत दे उल्टा है, पर धक्के नाल कोई किसी का जनेऊ ना लावे यह सिखी आखदी। पर जिन्हों की खातर जनेऊ जनेऊ की खातर शहादत दी, जिन्हों का धर्म बचाने लिए शहादत दी है, उन्होंने पुत पोतरे दसवें पातशाह के उत्ते फौजा लैके चढ़ते रहे। सो एहसान फरामोशी जिहड़ी है ये बड़ी पुरानी है। मेरी आदत नहीं मैं वाल बलिंग पा के गल्लां करां ते मैं कहां भी नहीं जी सारे बंदे चंगे हुंदे आ, कोई विचों एक अद्धा माड़ा हुंदा है, पर जिद्दण दिल्ली च सिखां दी नसलकुशी हुंदी है, एक गल चेता रखो हज़ारां सिख मारे गए ने, हज़ारां दे गलां च टायर पाए, हज़ारां बेपतियां होईआं, घर फूके, कारोबार तबाह कर दिते तिन्नां दिनां दे विच, ते एक दो हफ्ते बाद वोटां पैंदियां ते पूरे हिंदुस्तान दे विच राजीव गांधी नूं इन्नी कु वोट पै जांदी है जिहड़ी इतिहास च अजे तक मोदी नूं नहीं पई ते ना किसे होर बंदे नूं पई। सो इहदा अर्थ इह है वी जदों सिखां नूं कुट पैंदी है उदों बहु गिणती खुश हो के ठाके मारदी है वी चंगा होइआ सिखां नूं कुट पई, जदों सिख की पग लथदी है तो उदों अंदरों अंदर ही सारिआं नूं खुशी होण लग पैंदी वी चंगा होया सिख की पग लथी। सो यह मन लो अपने दिमाग दे विच, तुसीं 100 सरबत दे भले दीआं गल्लां करी जाओ, तुसीं थावां थावां ते लंगर लाओ, साडा सिधांत लाउणे ने, तुसीं लोकां दीआं 30-30 हज़ार कुड़ियां छड़ा के लैके आओ एक दिन च अफगानिस्तान गजनी दे बाज़ारां चों, पर जिदन अगलिया का दा लगा तुहाडियां साडियां धीआं भैणां की बेबती करन लगा 5 मिनट नहीं लाउणे उहनां। कमी कित्थे है? कमी साडे अंदर यह आ गई है भी असी कौम प्रस्त नहीं रहे, असी सरबत दे भले दे सिधांत नूं इन्ना बिगाड़ के पेश कीता भी शायद सिखां दा काम है भी सेवा करी जाणी, छत्र खाई जाणे, शायद सिखां दा काम है भी लंगर लाई जाणे ते कुट खाई जाणी, बस लंगर असी अफरीका तक लाते ने तो इतने एक तो गवांढ च सिख की कोई पग ला जाए तो कोई 4 बंदे इकट्ठे होकर नहीं जाते। सो यो काम खालसे की सृजना की सतगुरु सच्चे पातशाह ने, जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह गल कही है खालसा मेरो रूप है खास, खालसे का रूप सतगुरु ने अपने आप में कहा भी मेरा रूप है खालसा, इन्ना खास है।
किसी धर्म के पैगंबर ने कहा भी मेरे चेले मेरिया भेडा ने इन्हों मैं कनों फड़ के इधर ले जाऊंगी मेरे पिछे आने। तो गुरु साहब ने की कहा खालसा मेरो रूप है खास इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्ना माण सत्कार सानू बख्शिया है तो जो फिर साढ़े मूँह सिर चेहरे मोहरे गुरु ना लड़ नहीं ना जिहो जिहा ने सानू बनाया है जिहो जिहा ने उन्हें सानू कहा भी मेरा रूप है तो साड़ियां शक्लां ही बदल जाण तो फिर ये साडे वास्ते पहला तो शर्मिंदगी वाली गल है दूजी नसलकुशी की बड़ी वड्डी निशानी है। बहुत लोग पुछते हैं भी अज साडे पैरां च कोई संगल नहीं पाया किसी ने। बहुत लोग तुसी इत्थे आए जो तुहानू राज किसी ने नहीं रोकिया किसी ने कोई वक्खरा टैक्स नहीं तुहाडे ते लाया भी तुसी सिख जो पर फिर गुलामी है कित्थे। गुलामी इहो ही है भी जे तुसी अपने प्यो दादियां अरगे सरूपां तों घिरणा करन लग पे शेर दा पुत जे अपने मन च घिरणा पा लवे भी मैं शेर नहीं बनना मैं गिदर बन जूंगा बकरा बन जूँ कुत्ता बन जूँ पर शेर नहीं बनना। शेर क्यों नहीं बनना भी शेर बनिया जंगल च इलाका मलना पैंदा शिकार खेडना पैंदा घा खा के गुजारा नहीं हो सकता लड़ना भी पैना मरना भी पैना। शेर बनदा काम औखा तो कोई कहे भाई हुण मैं शेर नहीं बनना हुण मैं गिदर बन जूँगा कुत्ता बन जूँ कोई जिहड़ा घा खाने वाली चीज़ा वह बन जूँ। इहो काम सिखां दे नौजवान असीं अज कर रहे हैं। सानू पता भी सरूप च रहना औखा है क्योंकि सरूप च होया बंदा लोग कित्थे जाऊगा। एक सिख की जो पग लथूगी तो दूजा सिख ला के पग बन के खलोता उन्हें शर्म आऊ माड़ी मोटी हुण होने असी मोने कोने लागे पग लत्थी हुंदी माड़ा जिहा हथ च कड़ा पाया हुंदा उदों पता लग जांदा है पर कोई जाके नहीं छड़ाउंदा। लुधियाणे दे विच भईए सिखां नूं कुड़दे ने बन्न के खंभियां दे नाल किसे दे कंधे जू नहीं सरकदी। कल मकेरियां नेड़े किसी भईए दे चार पांच के दस साल के न्याणे ने आण के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी कर दी। हुण उन्हां तरीका की बना लिया बच्चे तो लाजम जी गल सिखा के भेजा हो किसी ने उन्होंने की पता ये काम करना। असी ऐलान किया भी जिहड़ा महाराज सच्चे पातशाह की बेदबी कर आ गया जे तो राह आउंदा पुलिस प्रशासन ने फड़ के अंदर देता तो बहुत वधिया गल है सराहना करांगे उन्होंने पर जिहड़ा इत्थे पहुँच गया उप तुर के वापस नहीं जाना चाहिए। हुण जो तुर के जे हुण ओह कहा भी तुर के वापस नहीं जाना चाहिए अपने पैरां ते ते उन्हां ने न्याणे अगे कर दिते ने। इह कौम दी बगैरती दी इंतहा है। हुण न्याणे नूं की करोगे तुसीं न्याणा किसे दा सिखाया पर प्रशासन हुण आ स्टेज तों कहिंदे आ न्याणे नूं जिन्हें सिखा के भेजिया उन्हूं तुसीं लभोगे कि असीं लभीए ते जे तुहाडे कोल नहीं लभिया जांदा ते फिर जदों सिख राज की गल करदे आ कंड क्यों लड़दी एडी तुहानूं फिर जे तुसीं राज करना है ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की राखी किहने करनी है। तनखावां तुसीं लैणियां ने टैक्स असीं भरना तनखावां तुसीं लैणियां फौज तुहाडे कोल हथियार तुहाडे कोल ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी होवे ते फिर सिख आप सौदा लाउण फिर तुहानूं दंगी है भी कानून टुट गया। सो कानून है कित्थे साडियां धीआं भैणां की बेवती हो जाए असीं थाने जाइए सानूं थाने जलील करो ते जे कोई सिख आप किसी का कीर्तन सोहला पढ़ते किसी नूं चाटा छका दे फिर तुसीं कहना भी सिखां ने कानून हाथ च लै लिया। राज की गल करन तों आपां चकीए ना इन्ना ये कोई गनाह वाली गल नहीं कौमां राज की गल करदियां रोज़ दोहरा पढ़ते हाँ राज करेगा खालसा की रहे ना कोई ये पढ़न लिखिया वा कला। जिहड़ी कौम ने दुनिया ते सब तो खूबसूरत राज कीता होवे उस कौम के बछिंदे कहण भी सानूं राज नहीं चाहिए मतलब कोई लिखाया वा 200-400 साल 500 साल होर छत्र खाने तो फिर गल करनी राज की जां उदों राज की गल करनी जदों सिर ते पग रही किसे दिन। सो मेरी यह बेनती है बहुतियां नूं लग सकता है ये वितकरा हैगा भी आ भी कोई दिल्ली के सिखां नूं कही जांदा भी तुसीं नहीं चंगे जी असीं बड़े चंगे हाँ पंजाब वाले कही जांदे दिल्ली वाले पंजाब वाले नूं कही जांदे हुंदे राजस्थान वाले हो सकदा पंजाब वाले नाल करदे होण पंजाब वाले नाल करदे होण पर एक गल चेता रखो जिद्दन पंजाब च हक्कां दी संघर्ष उठदा वो तुहानूं मारदे ने इत्थे आण के क्यों सानूं बशक लगे भी असीं एक नहीं हैगे उन्हां नूं पता इक्को ही ने संघर्ष पंजाब च उठदा तो कतलेआम दिल्ली सिखां दा हो जांदा उन्हां नूं पता ना वे एक ने दिल्ली च सिखां दीआं भैणां दी बेपती हुंदी है
भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, ललित माकन, अर्जन दास इन्हों का सौदा लाते हैं। कोई कह सकता भी भाई दिल्ली दियां सिखां दियां धीआं साडियां धीआं भैणां नहीं जिहड़ा वितकरा करते हैं? कोई किसी कुछ कह दिंदा, कोई कुछ कह दिंदा, पर एक गल चेता रख लो, जे पंजाब तगड़ा है, पंजाब तुहाडा घर है, सदीवी घर रहना, जिथे मर्जी वस जाइए जाके, कनेडा अमरीका च भी चल गए सिख, जे अकाल तख्त साहब तगड़ा है, जे दरबार साहब तगड़ा है, तो एक सिख भी कितने दुश्मन के इलाके तुरै फिरे उन्होंने को हाथ नहीं लाता। जिमें पिंड तुहाडा घर तगड़ा होना, पता हो इन्होंने को चार बंदे है छित्र खड़का, तो तुम दुश्मन के घर वाले जाके तुरे फिरो, वो इस करके तुहानू हाथ नहीं लाते भी अज ये चार मार लाँगे बाद खाणियां किन्ने। हुण साडा ना घर तगड़ा ना बाहर तगड़ा, घरे भी छित्र खाण डे बाहर भी खाण डे। मेरिया गल्लां दी इनक्वायरी किंदे खोलणी आ भी ये बहुत बंदा गर्म गल्लां करदा। मैं तो जिहड़ी गल कीती है पहलां भी हुंदी रही है, करदे रहे सारे, फर्क केवल इन्ना है भी मेरे को वल वलिंग नहीं पैंदे गल्लां दे विच। मेरे कोल गुरु साहब की हजूरी च खड़ के जे शब्दों बचना बदलीए, जो मन च गल ना करिए, मन होर होवे मुख ते होर आ जाए, तो यह मेरे वास्ते पाप वाली गल है, मैं कम नहीं कर सकता। तो मैं अगे भी हुकूमत को कहा, मैं हुण फिर कहना कि जे इनक्वायरी खोलनी इनक्वायरी खोल लो, जे मैंने कुछ तुरे जाते गोली मारनी गोली मार दो, जे कि जेल सुटना जेल सुट दो, जे फाहे टंगना फाहे टंग दो, जे बंद बंद कटना वह भी कट दो। ये जिन्ना चिर सवास है गया मैं इतने बोलना। तुसी अरदासां करदे हुंदे जो भी उम्र लंबी बख्शे परमात्मा, इहो जी अरदासां ना करया करो। लंबी उम्र नूं मैं की करना इत्थे रह के एड्डा च। अरदास बेनती जदों करनी है मालक सच्चे पातशाह अगे करनी है भी जिन्नी बख्शी है, चाहे दो सवास ने, दस ने, सौ ने, हज़ार ने, चाहे लख ने, उन्नी भाणे च ही रहे। ना अहंकार होवे ना मन च भय आवे, क्योंकि साडा सब तो वड्डा दुश्मन भय है। अज साढ़े मन च कहदा भय है कि जे राज भाग की गल करांगे कुटणगे जी, तो कुट ते बिना गल कीतियां भी खाणी डए। जो बिना गल कीतियां साढ़े मूँह चपेड़ा पै रही होण, तो फिर राज भाग की गल करके खा लाँगे, कि गल दो मार के खा लाँगा किसी ने। सो ये हालात ये साढ़े बन गए है। गुलामी की यह इंतहा है भी सिखा की मानसिक गुलामी की दशा यह हो गई है भी अज किसी सिख के मूँह से कोई चपेड़ मारे तो सिख अगों ये सोचने लगता भी मेरा कसूर की है जेडे मेरे चपेड़ पे। ये नहीं सोचता भी जो जालम मनुख है, कोई को मूर्ख है, कोई जालम है, कोई पापी है, वह बिना गलों भी जुल्म कर सकता। मुगलों ने साडा कसूर वेख के जुल्म किए, अंग्रेजा ने साडा कसूर वेख्या, हिंदुस्तान की हुकूमत ने साडा कसूर कदों वेखना। साडा कसूर एको ही है, कहिंदे मेरी इनक्वायरी खोलनी है। मैं इन्हां नूं कहिंदा भी तुसीं इनक्वायरी हर सिख की खोल लिया करो, तो पैदा होंदियां, क्योंकि जे तुहानूं लगता है कि तुहाडियां इनक्वायरियां नाल सिख पैदा होने बंद हो जाने ने, जां तुहाडियां इनक्वायरियां दे नाल सिखां ने अपने राज भाग की गल नहीं करनी, जां तुहाडियां इनक्वायरियां दे नाल सिखां ने हक्कां लई नहीं लड़ना, फिर ये तुसीं बहुत वड्डे भुलेखे चो, उही भुलेखे दे विच जिहड़ी भुलेखा मुगल हुकूमत नूं डोब गया, जिहड़ा अंग्रेजां नूं डोब गया, तो तुहानूं भी डुबूगा। ये डुबना तय है। महाराज की कहिंदे ने, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। इत्थे कोई थिर नहीं हैगा, ना राज रहने ने ना भाग रहने ने, हजारिया साल लोगों के राज चले ने, तो मिट्टी च मिल के कोई ना नहीं लिंदा उन्होंने। हुकूमत नूं ये गल कहिंदे आ, सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा नाल राज तुहाडे कोल आया, उन्हां नूं भी बख्शण वाला गुरु नानक पातशाह ही है। सानूं नहीं बख्शिया क्योंकि असी, महाराज ने वचन किए थे ना, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियूं मैं सारा, जब ए गए विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। असी विपर की रीत तुरे हाँ, महाराज ने दस्तारे बनाए सी, असी दस्तारे ला के नाइयों को जा के कभी किस पासे नूं वाल करा ले, कभी किस पासे नूं करा ले। महाराज ने शस्त्र बख्शे सी, शस्त्र छड के छापा पालियां, मुदियां पालियां, कोई कन्न च नतियां पाई फिरदा, किसी ने नक् बना लिया। ये विपर दियां रीतां सी सारियां। इदां दे चेहरे मोहरे लै के महाराज कहिंदे, बिन शस्त्र केसन दियो ना दीदार। पिठ दे महाराज ने विखाती है सानू, हुण खवारी झलण डए आ, जिन्हां दियां धीआं बना छड़ा के लिआउंदे सी उन्हां दे अंदर गुलामी कर रहे, उन्हां दे हेठ उन्हां कोलों दर दर दियां ठोकरां खा के इंसाफ मंगदे आ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਖਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਇਆ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 5:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੰਨਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਔਰ ਰੱਖੇ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਉਹ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਵਰਤੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈਏ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੇ ਡਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਾ ਰਖਾਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਮਲੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ। ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨਾ ਲੜੇ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਕਤਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡੇ ਇੱਟਾਂ ਛੱਡਣ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਮਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਖਾੜਕੂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਏ, ਜੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਲਹੂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਏ, ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼। ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਸਭ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੈ।
जिस दिन बाणा बाणी दे धारनी बन की तैयारी कर ली उस दिन घूम दिया चीकां वजदियां उस दिन कुआरियां खुलदियां तो तुसीं घूम दिया चीकां मराउण तो क्यों पिछे रहना। 30 तरीक नूं मेरे ख्याल नाल ऐतवार बनता अकाल तख्त साहिब ते इस बार जथे दा करना आपां अमृत छकाउण संचार कराउण दा महाराज ने सेवा लैनी है। तो मेरी यह बेनती है भी जिन्हें इतने नौजवान बैठे है जिन्हें रुमाल बन्ने सिरां ते जिन्हां ने दाड़ियां कुतरियां ने जिन्हां भैणा बीबिया ने अजे तैयारी नहीं की 10-15 दिन है तैयारी कर लो तो जथा इतों आना चाहिए हूँ ही आए हैं फिर तुम आना 30 तरीक न उत्थे पहुँच के बाकी सिंघां दे नाल अमृत छकना खंडे बाटे की पौल लैनी है तो तैयार बार तैयार हो के इस हुकूमत दे जुल्म दा टाकरा करन दी जिहड़ी आ वो महाराज ने आपां नूं बल बख्शना है जो तैयार बार तैयार होए। मेरा विरोध कोई करी जाए कोई डिफरवाह करन दी लोड़ नहीं जे 130 करोड़ लोग साडी होंद हस्ती नूं नहीं मानते वो सिखां नूं केसाधारी हिंदू कहिंदे आ तो मैं किहड़े खेत दी मूड़ी मेरा विरोध करना ही उन्होंने तो जे उन्होंने नाल रल के कोई सिख जिन्हां दे अंदर गुलामी कर गई है वह भी करी जाते तो उन्होंने भी समझो भी सेवा ही लगी है किसी का विरोध करने की लोड़ नहीं आपां अपना काम करना है। काम की है भी नशा नहीं करना बिल्कुल भी नशा जे करन दी लोड़ पै गई है मरना ही है नशा करके तो कोई नहीं फिर मतलब कोई कौम दुखी सोध के मर जाओ घट्टो घट कोई तुहाडी बरसी मना ले कोई चेता रख ले भी फलाना मरिया सी कोई मां ही मेहणा मार दे कौम नूं भी साडा पुत कौम लई शहीद होया तुसीं की कीता हुण जिहदा पुत चिट्टे नाल मर जांदा उह कह सकदी किसे नूं मेरा पुत चिट्टे नाल मरिया तुसीं की कीता कोठियां जिहड़े नौजवान सी जिहड़े चिट्टे नाल मरे गए। सो आपां मुड़ीए सतगुर सच्चे पातशाह वल मुड़ीए जे ना मुड़े तो बहुत देर हो जाणी है इस भुलेखे च ना रहो भी गुरु नूं साडी बड़ी लोड़ है। गुरु का खालसे नाल प्रेम बहुत है सब तो उच्चा जदों महाराज ने चार पुत्र कुरबान किए तो क्या इन पुत्रन के असीस परिवार दिए सुध चार चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार उन्होंने अपने पुत्रों को खालसा प्यारा है पर रहत तो प्यारा नहीं है खालसा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना तो जे रहत प्यारी है तो जिन्हों असी प्यार करते जो उन्होंने रहत प्यारी है तो रहत क्यों नहीं रखनी असं गर्म गल्लां तत्तियां गल्लां होर कर लाँगे वो नहीं मसला हैगा पर जेडे काम तो हुकूमत सानू रोकदी है भी असी अपने प्यो दादियां अर्गे ना बणीए असी गुरु दे नक्शे कदमां ते ना चलीए असी संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले वर्गियां ने बणीए चीकां मार देना भी फलाणियां की नकल कर ली जी फलाणियां की नकल कर ली पहली गल तो उन्हां दी नकल करन दा ख्याल मन च नहीं आउंदा कदे भी पर उन्हां दे पूर्णियां ते चलण दा ख्याल हर सिख दे मन च आउणा चाहीदा ये रौला तो ऐ पा रहे भी किदां किसे मुजरे करन वाले की नकल करन की गल कीती होवे किसे ने। एक गुरसिख जिन्हों 20वीं सदी के महान सिख का दर्जा प्राप्त है वो नक्शे कदमों से चल रहे असी चलण की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने बराबर तो हो ही नहीं सकते चरणा की धूड़ बन की कोशिश कर रहे हैं तो आईडी आखिर की आ गई ही जिहड़ा लै के पंजाब तो देश का इंटरनेशनल मीडिया रौला पा भिंडर वाले आ कर दिता जी आ कर दिता। सो इस करके इनिया जिहड़ियां गल्लां करनियां सी मैं कीतियां पर मैनू उम्मीद है भी तुसीं जिहड़ी चढ़दी कला दा स्वागत कीता उस चढ़दी कला नूं कायम रखना है इतफाक इन्ना रखना है इत्थे पंजाब तो बाहर बैठे जो असीं लड़ लुड़ के मर्जी आपस कोई गल नहीं फर्क नहीं पैंदा तुसीं इत्थे पंजाब तो बाहर बैठे जो पंजाब तो बाहर बैठे तुहाडा फर्ज है सिख दे हक च खड़ना है भावें तुहानूं किते लगे भी सिख की गलती है बाद च बैठ के समझा दो उहनूं पर मौके ते कोई उहदी पग नूं हथ पा के बैठा वे तुसीं उहदा कसूर कढ़न तुर पओ इह कम नहीं करना कदे भी। हर सिख धी भैण नूं अपनी धी भैण जानना सो इनियां बेनतियां दे नाल खिमा दा जा चुके हैं जी जे कोई अखर वादा घाटा वध बोलिया गया होवे उहदे लई खिमा बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत धन्नवाद टिम्मा साहब का जिन्होंने सानू सद्या है चलो जकारे अपन ला लिया 5-7 तो हुण जकारे ला के ना हो जो शहीद शहूदी देने का टाइम आए उदों खिसक जाओ हौली हौली कोई इधर कंध टप जाए कोई उधर टप जाए मैनू शकलों चेता रहिंदियां मैं फड़ फड़ लिया बाद जे रह गया तो सो इनियां बेनतियां दे नाल खिमा दा जाचका प्रबंधक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आ। तो एक दुविधा हो गई सी भी असीं आउणा नहीं उहदे लई खिमा चाहुंदे जे कि संगत का दिल दुखिया होवे
तुहाडे चरणा च हमेशा हाजिर हाँ, जदों बुलाओगे आ जाएंगे। तो इनिया बेनतियां नखेमान जा चंगा जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।